अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हॉट फूड पॉइंट में आपको खुश आमदीद है। चले आए, आज हम बनाते हैं ओरियो आइसक्रीम जो कि बहुत यमी है। ओरियो आइसक्रीम बनाने में हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 3 पैकेट क्रीम के, कंसर्न मिल्क, चॉकलेट चिप, चॉकलेट सिरप और 4 ओरियो के पैकेट। अच्छा, आपने आइसक्रीम बनाने के लिए जो क्रीम है ना, वो आपने 1.5 से 2 घंटे जो आपने फ्रिज में लाजिम रखना है, क्योंकि ये थिक हो जाए थोड़ी। अब हम इस बाउल में आइसक्रीम डाल क्रीम डालते हैं। कैसे, आपने क्रीम डाल देनी है। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें डालते हैं कंसर्ड मिल्क। कंसर्ड मिल्क डालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे। ये देखिए, जैसा कि मैंने बीट कर ली है क्रीम, बीट करने के बाद देखिए हमारी क्रीम डबल हो गई है। ठीक है, अब हम इसको इसमें से निकाल देंगे। निकालने के बाद हम इसको अब इसमें ओरियो डालेंगे जो मैंने पहले से क्रश करके रख लिए। इसमें ओरियो ऐसे ऐसे डाल देने आपने। इसके अंदर मैं 3 पैकेट डालूंगी। और मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रीमी है। आप इसको घर में जरूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आपको बच्चे बहुत लाइक करेंगे, सब लाइक करेंगे इसको। ओरियो बिस्किट डाल के देखें, हमने स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हमने कोई भी एयर टाइट डब्बा लेना है। ठीक है, एयर टाइट डब्बा लेके फिर उसमें हमने इसको डाल देना है। अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड करेंगे चॉकलेट सिरप। चॉकलेट सिरप डाला है, अब हम इसको किसी भी छुरी की मदद से या चमची की मदद से इसको ऐसे हिलाने के, देखें इसको कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया। अब हम इसमें डालेंगे चॉकलेट चिप। यह आपकी मर्जी है, इसको स्किप भी करना चाह सकते हैं तो कर सकते हैं आप। अब हम थोड़ा सा इसमें ओरियो कच किया हुआ डालेंगे। अब फिर हम इसमें इसका कोट करेंगे। अच्छा, अब हम इसमें फिर चॉकलेट सिरप डालेंगे। ठीक है, अब हम इसको
और फिर हम इसमें चॉकलेट चिप डालेंगे थोड़ा सा। अब हम इसमें ओरियो आइसक्रीम डाल, ये ओरियो बिस्किट हमने सारा इसमें ऐड कर दिया। ये आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है, अब हम इसको रैप करेंगे रैपिंग शीट की मदद से। ये लाजमी लगाइएगा क्योंकि इसमें नमी मच जाए। ये रैप कर लेंगे ऐसे, फिर इसको हम इसके ऊपर इसका कवर रख लेंगे। ठीक है, अब ये आइसक्रीम ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रहेगी, फिर हम आपको इंशाल्लाह इसका रिजल्ट दिखाएंगे, इसका रिजल्ट कैसा है और ये कितनी यम्मी बनी है। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं, इसको मैंने फ्रीज होने के लिए रख दिया था, ये ओवरनाइट के लिए फ्रीज की है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। जी माशाल्लाह, ये हमारी बहुत अच्छी फ्रीज हो गई है। अब हम इसको स्कूप की मदद से निकालते हैं और डिश आउट करते हैं। देख कितनी सॉफ्ट बन रही है, कितनी क्रीमी है। देखिए स्कूप हमारी रेडी है, अब हम इसको गार्निशिंग करेंगे ऐसे। आप ऐसे ऐसे थोड़े से चॉकलेट चिप, ये बहुत यमी, आपके बच्चों को बहुत टेस्टी लगेगी। ये होममेड आइसक्रीम है, बहुत नीट और क्रीम बनती है घर में, आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत यमी है। थोड़ा सा हम ऊपर चॉकलेट सिरम ऐड कर देंगे। देखें व्यूअर्स, ये हमारी आइसक्रीम, अब मैं आपको इसको निकाल के दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी यम्मी बनी है, कितनी सॉफ्ट है, कितनी टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।